कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस का सराहनीय कार्य। थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा ऑनलाइन क्रिकेट लाइव मैच पर सट्टा बैटिंग कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 2 चार पहिया वाहन, नगद भारतीय रुपए, विदेशी करेंसी व अन्य सामान बरामद एवं बैंक खाता फ्रीज कराया गया, जिसमें 11 लाख रुपए मौजूद हैं। थाना सेक्टर 39 नोएडा क्षेत्र के टावर नंबर 24 के फ्लैट लोटस बुलवर्ड सेक्टर 100 नोएडा में चल रहे सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट लाइव मैच पर सट्टा बैटिंग खेलते खिलाते हुए 4 अभियुक्त गौरव गुप्ता पुत्र विनोद कुमार गुप्ता, नितिन पुत्र स्वर्गीय मुन्ना लाल गुप्ता, अजीत सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह, दिनेश गर्ग पुत्र नरेश गर्ग को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से सट्टे में प्रयोग भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक, पासपोर्ट, सिम, पासबुक, असेंबल लाइन बुक, 2 चार पहिया कार, 3,79,168 रुपये नकद व विदेशी करेंसी डॉलर, दिरहम, मलेशिया, ओमान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर व थाईलैंड आदि के कुल लगभग 4 लाख रुपये अनुमानित कीमत भारतीय रुपये में बरामद हुई है। थाना 39 को एक सूचना बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी कि लोटस बुलवर्ड सोसाइटी में कुछ लोग रुके हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज सस्पिशियस हैं। इस सूचना पर ADCP के नेतृत्व में ACP 1 नोएडा के द्वारा, रजनीश वर्मा जी के द्वारा एक रेड की गई। रेड करने में मौके से जो है वो 4 लोग हमने अरेस्ट किए। इनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फोन्स, टीवी स्क्रीन्स, लैपटॉप्स बरामद हुए हैं। 4 लाख रुपया कैश मिला है। इसके अलावा लगभग 7-8 लाख रुपए का फॉरेन करेंसी बरामद हुआ है। 11 से 12 लाख रुपए अकाउंट्स में मिले हैं। लगभग 6 अकाउंट अभी तक हमने वेरीफाई किए हैं और 4 अकाउंट्स और भी अभी मिल रहे हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था, इसमें जो गौरव गुप्ता नाम का व्यक्ति है, ये इसका मास्टरमाइंड है, जिसको टेस्ला ग्रुप इनका है जो ये सट्टा कराता है, उसमें ये टेस्ला 2 है। तो ये जो गौरव गुप्ता है, ये पिछले 6 सालों से जो पूछताछ में निकल के आया है, दिल्ली में बैटिंग कर रहा था और हमारे यहाँ नोएडा में ये अभी इसी महीने लोटस बुलवर्ड में शिफ्ट हुआ था। तो इसके द्वारा जो है वो IPL पे सट्टा लगाया जाता था और ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से जो है वो बुकिंग होती थी, बाकायदा वो रिकॉर्डिंग होती थी। और इसमें अन्य जो 3 लोग हैं, जिसमें दिनेश और बाकी लोग हैं, ये सब जो है वो जो काम अपना आपस में बांट करके करते थे। तो इस तरह से ये IPL के जो मैचेस होते हैं उसमें जो सट्टा है, ऑनलाइन जो मैच फिक्सिंग जिसको बोलते हैं, उसको करते थे ये लोग। और ये जो गौरव गुप्ता है, ये 45 दिन दुबई रह के आया, उस समय भी वहाँ पे इसने काफ़ी बड़ा सट्टे का काम किया था। तो इस प्रकार से जो है ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, काफ़ी जो है वो रेनाउंड है ये गौरव गुप्ता। इसके बारे में जो है वो जो पूछताछ में निकल के आया, काफ़ी जगहों पे इन्वॉल्व रहा है। तो ये सारी चीज़ें सीज करके अभी इनको कोर्ट पेश किया जा रहा है और बाकी जो डिटेल्स मिली हैं उसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। आधार कार्ड मिला है, इसके पास से 4 पासपोर्ट्स मिले हैं, फॉरेन करेंसीज मिली है, हम फॉरेन करेंसी एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे और जो पासपोर्ट्स मिले हैं उसके तहत भी कार्रवाई। टोटल अमाउंट कितने मिले सर? 4 लाख रुपए कैश है इंडियन करेंसी, 7-8 लाख रुपए फॉरेन करेंसी का है और 11 से 12 लाख रुपए जो अकाउंट फ्रीज कराए गए। अभी जो नोएडा में ये काम कर रहा था, ये फ्लैट के अंदर ही कर रहा था, वही संचालन। अभी ये जाँच का विषय है क्योंकि ये ऑनलाइन जुड़े हुए थे जूम के माध्यम से, तो इनके जो और कनेक्शंस हैं, हो सकता है फॉरेन कनेक्शन भी, उसको मैं एनालाइज करता हूं। ये जूम ऐप के माध्यम से, इनके पास 2 ऐप्स हैं, उस ऐप से जो है ये लोगों से जुड़ते थे, रेनाउंड है ये उस फील्ड में, जानते हैं लोग। आप लोग दुबई कनेक्शन भी तलाशेंगे इसमें? सभी तरह का कनेक्शन। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू।